देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज़, मैं हूं विमल राय। आइए बात करते हैं आज सीहोर जिले की प्रमुख खबरों की। अयोध्या मामले पर फैसले से पहले सीहोर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। उसी के अंतर्गत आज अहमदपुर बरकड़ हसन में पुलिस के जवानों के द्वारा पुलिस प्रशासन ने अपनी कमाल संभाल रखी है। उसी के चलते आज अहमदपुर में SDOP SN चौधरी और थाना प्रभारी प्रभात सिंह गोण, दोहरा TI मदन इवने द्वारा अहमदपुर थाने के जवानों के साथ अहमदपुर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च थाना प्रांगण से शुरू हुआ, जो मेन बाजार से होते हुआ गांव के प्रमुख मार्गों से होता हुआ थाना प्रांगण अहमदपुर पहुंचा। फ्लैग मार्च निकालने के संबंध में जब जानना चाहा तो संवाददाता को बताया कि थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है, इस क्षेत्र में शांति बना रहे, उसी को लेकर आज थाना अहमदपुर में पुलिस के जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। फ्लैग मार्च में मुख्य रूप से SDOP SN चौधरी, थाना प्रभारी अहमदपुर प्रभात सिंह गोड, द्वारा TI मदन इवने, अहमदपुर पुलिस स्टाफ एवं कई अफसर पुलिस के जवान फ्लैग मार्च में मौजूद रहे। ये अभी निकट भविष्य में अयोध्या का जो फैसला आने वाला है, उस फैसले को ऊपर से जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोगों ने ये फ्लैग मार्च अपने अनुभाग में निकाला है। हम दोराय में निकाले हैं, दोराय के बाद में फिर हम लोग बरकड़ा हसन भी गए हैं और अभी हमने लास्ट में यहाँ अहमदपुर में फ्लैग मार्च किया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि कोई भी फैसला आए, किसी के भी पक्ष में आए, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, लोगों में किसी तरह का डर ना रहे और जो भी फैसला है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उससे बड़ी कोई अदालत नहीं है और जो फैसला होगा वो सबको स्वीकार करे और करना पड़ेगा। स्वच्छता अभियान को जिम्मेदार अधिकारी ही लगा रहे पलीता, नगर में जगह जगह फैला है गंदगी। स्वच्छ भारत अभियान का प्रशासनिक नुमाइंदों की लापरवाही के कारण किस कदर माखोल उड़ाया जा रहा है, इसका अंदाजा इछावर नगर पंचायत से लगाया जा सकता है। यहां जिम्मेदार अधिकारी की उदासीनता के कारण जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नालियों की नियमित साफ सफाई नहीं होने के कारण वह चौक है और जिसके चलते नगरवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि गंदगी के लगे अंबार और चौक पड़ी नालियों से हमेशा दुर्गंध के गुब्बार उठते रहते हैं, वहीं मच्छरों की भी बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इससे जहां लोगों का जीना मुश्किल है, वहीं मलेरिया डेंगू आदि बीमारियों का प्रकोप फैल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे मजेदार बात यह है कि नगर परिषद के द्वारा जगह जगह स्वच्छता को लेकर दीवारों का स्लोगन लिखने के साथ ही कचरा गाड़ी भी नगर में जगह जगह घूमकर स्वच्छता अभियान के बारे में जागरूक तो कर रही है, लेकिन संबंधित द्वारा नगर की सफाई नहीं कराई जा रही है। अगर देखा जाए तो विभाग के द्वारा सफाई के नाम पर काफी खर्च दिखाया जाता है। क्या नाम है? प्रतिनिधि टी स्टार। अच्छा, कहाँ रहते हो? मैं गांव रहता हूँ लेकिन यहाँ चलाता हूँ। अच्छा, ये जो ये गंदगी पड़ी है और ये जो नालियों से पानी निकल रहा है, तो क्या ये साफ सफाई नहीं होती है? नहीं होती, नहीं होती, नहीं आया कोई भी आज। कभी नहीं होती साफ सफाई? नहीं, अभी मेरे को कम से कम महीना भर होने वाला, बिल्कुल कोई नहीं आया। महीने भर से अभी तक कोई सफाई नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा, तो CMO को नहीं बोला है इसमें, कर्मचारियों को नहीं बोला? सर आप बोला क्या, वो कर्मचारी जब आते तो उनको बोलते हैं। फिर ये जो है बदबू आती होगी, इससे बीमारियां भी फैल रही होगी? फैल रही ना जी, फैल रही की बिल्कुल, परेशान कोई आदमी नहीं रुक सकता यहाँ, खाली तो गाड़ी घोड़ा खड़े कर देते बस। प्रधानमंत्री तो स्वच्छता को लेकर कई योजनाएं चला रहे हैं, कोई भी नहीं आया यहाँ पे, मतलब ये स्वच्छता के पोल खोलता है। हाँ हाँ, खोल रहा नहीं, बीच मार्केट है। क्या नाम है आपका? मेघराज। मेरा नाम मेघराज। पोल मैनेजर ने की MPRDC से मंडी TI की शिकायत। TI का कहना, रेत के डंपर और गांजे अफीम की गाड़ी को रोककर चेक करने के बाद थाने में देना होगी सूचना। कोसमी टोल प्लाजा के मैनेजर RP सिंह ने सीहोर मंडी TI शिशिर दास की शिकायत MPRDC डॉक्टर सुदाम खाड़े से की है। इस पर MPRDC ने मामले की जांच के निर्देश SP को दिए हैं। टोल मैनेजर का कहना है कि मंडी TI द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि आपके टोल से रेत गांजा के अवैध डंपर या वाहन निकलते हैं जिन्हें आप लोगों को रोककर चेक करना है और पुलिस को इसकी सूचना देना है, और अगर आपके द्वारा वाहन रोककर चेक नहीं किया गया तो आपके खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जबकि हमारे नियम में किसी भी वाहन को रोककर चेक करने का कोई प्रावधान नहीं है। आगे मैनेजर का यह कहना है कि थाना प्रभारी द्वारा मेरे कर्मचारी को कहा गया कि आपका मैनेजर हमसे आकर मिले, मैं जब मिलने नहीं गया तो अगले दिन आकर मेरे लड़कों को धमकाया गया। इस सारे मामले की जानकारी मैंने हमारे MPRDC को भेजी है।
इस पर एसपी को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। क्या नाम है सर? मैं मारपी सिंह है, मैं टूल मैनेजर हूँ गुना जी। जी आपके यहाँ कुछ घटना घटी थी, आपने एमडी को पत्र भेजा है मंडी टीआई के खिलाफ, क्या है पूरा मामला? हमारे टूल पे दिनांक 19 सितंबर को मंडी थाने से थाना प्रभारी और उनके स्टाफ के लोग टूल पर आकर के लड़कों के साथ जानकारी मांगी। लड़कों से ये बोला कि आपके यहाँ से जो अवैध गाड़ियाँ जाती हैं, गांजा भांग की गाड़ी जाती है, शराब की, अब जो भी अवैध कार्य करते हैं उन गाड़ियों को आपको चेक करना है, रोकना है, रोक करके हमें बताना है। जिसमें हमारे टोल के लड़कों को यह चेक करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो हमारा अनुबंध है, हमारे टोल से जो भी गाड़ियाँ निकलती हैं उन गाड़ियों को सिर्फ पर्ची काटने के अलावा चेक करने का अधिकार हमें नहीं है। इसलिए लड़कों ने मना कर दिया। मना करने के बाद थाना प्रभारी द्वारा ये बोला गया कि यदि आप लोग हमारी बात पर हमें कोई सूचना नहीं देते हो तो हम आप लोगों के ऊपर नारकोटिक्स एक्ट का धारा लगा करके आपके टोल को हम बंद करा देंगे और आप लोगों को ही बंद करा देंगे। जिस पे हमने इस चीज़ को मैं जा करके एमपीआरडीसी के एमडी साहब के नाम पे लेटर लिखा। दिनांक 25 को हमारे टोल पे कुछ 3-4 लड़के बाइक से आए। बाइक से आने के बाद क्या हुआ कि जहाँ से कारें निकलती हैं वहाँ से वो जिद करने निकलने के लिए, जबकि कार निकलने का अलग रास्ता है, बाइक निकलने का अलग रास्ता है। बाइक निकालने के लिए वो लोग जिद पे अड़े रहे क्योंकि वो लोग नशे में थे, दारू पिए हुए थे। नशे की हालत में उन लोगों ने हमारे यहाँ टोल के लड़कों से बदतमीजी कर ली। लड़कों ने हमें बताया कि सर ऐसा ऐसा यहाँ पर हो गया है, तो मैंने उनको बोला कि आप 100 डायल करो, 100 डायल करके पुलिस को बता दो क्योंकि आप लोगों को लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, वो दारू पिए हुए हैं, तो आप लोग ऐसी हरकत मत करना। हमारा काम है जो है कानून के पालन करना, आप जो है कानून का पालन करो और उनको बुलाओ। कुछ देर बाद जो 100 डायल से आ गए। आने के बाद ये लोग एक लड़के को पकड़ लिए, उसमें से पकड़ लिए तो फिर जो है टोल पे आ करके बोले आप जो है CCTV फुटेज दिखाइए, हमें उसमें देखना है। देखने के बाद वो लोग उन लड़कों को भी पकड़ के ले गए और हमारे स्टाफ के 4 लड़कों को पकड़ के ले गए, जिसमें हमारा सुपरवाइजर राधे श्याम, शेषनाथ सिंह, इमदादुल और एक और उसमें बूथ बॉय लड़का, ऐसे करके 4 हो गए। 4 लोग ले जा करके ये लोग थाने में इनसे मोबाइल ले लिए। मोबाइल लेने के बाद फिर बोलने लगे कि तुम लोग जो है बदतमीजी किए हो, तुम लोग हम बंद करके रखेंगे रात भर। फिर हमने जो है इनों से बात करने की कोशिश किया, मोबाइल इनका बंद बता रहा था। बार बार लगाने के बाद फिर टोल से लड़कों का फ़ोन आया कि साहब वो लोग 8:30 बजे गए हैं और 11 बज गया है, 11:30 बजे तक अभी उन लोगों से कोई ना आ रहा है, ना तो कोई फ़ोन उठा रहा, सब लोगों को फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। कुछ देर के बाद एक लड़के का मैसेज आया। मैसेज आने के बाद जो है मैंने भी वहाँ पर फ़ोन करा करके, हमने किसी और माध्यम से फ़ोन करा करके ये बोला कि हमारे तरफ के जो लड़कों को मारा पीटा गया है हमारी तरफ से भी एक FIR दर्ज किया जाए। फिर हमारे कंपनी तरफ से एक राधे श्याम ने FIR दर्ज कराया। दर्ज कराने के बाद दिनांक 11/10/19 को मंडी थाना द्वारा एक लेटर भेजा गया। इस लेटर को आप देख सकते हैं। इस लेटर में ये बोला गया कि हमारे टोल से जो भी वाहन निकल रहे हैं, रेत के वाहन हैं या कोई भी अवैध परिवहन कर रहा है, उस गाड़ी को रोका जाए, रोक करके उसको चेक किया जाए और थाने को इन्फॉर्म किया जाए। किसी भी गाड़ी को रोक कर चेक करने का अधिकार किसी भी टोल मैनेजर को नहीं है, हमारे अनुबंध में ही नहीं है, तो ऐसा कार्य हम नहीं कर सकते। जिसके बदले इस लेटर का हमने उत्तर बना करके ठीक उस दूसरे दिन ही मैंने थाने में भिजवाया। थाने में भिजवाने के बाद एक उसकी प्रति मध्य प्रदेश MPRDC MD साहब के नाम पे दिया ये लेटर के लिए। फिर जब मैंने वहाँ भेजा, भेजने के बाद फिर MPRDC द्वारा SP साहब को लेटर लिखा गया ये जांच करने के लिए। ये इसमें वह लेटर उपलब्ध है। और क्या इसके पहले भी मंडी TI ने जो है आपको बुलाने का प्रयास करा था? इसके पहले एक बार वो हमारे टोल से निकल रहे थे,
उन्होंने बोला कि आप मेरे से रात को 8 बजे मिलो, मैंने मना कर दिया मिलने से। वो हमें ऐसा लगता है कि वो नहीं मिलने के वजह से कि हमारे ऊपर जो है ये सारी कमियां निकाल करके हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, कुछ समय ऐसा सुनने में आया था कि यहाँ भी कोई होटल है, उसमें भी उन्होंने भोजन वहाँ करा था और बिल बिल को लेकर भी कुछ बातें हुई थी। हाँ, ऐसे सुनने में कहीं आया कि वो शायद वहाँ खाना वाना खाने गए थे, इस तरह का कोई हमें खबर तो मिली थी। पर ये खबर तो मतलब हमें और ही द्वारा किसी के माध्यम से ही मिली थी। सीहोर जिले की तरोताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमें WhatsApp पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9300635960। खबरों में अभी इतना ही, आप बने रहिए सीओ लाइव 24 न्यूज़ के साथ।